प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग सेकंड यूनिट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में प्रोजेक्ट अप्राइजल, प्रोजेक्ट असेसमेंट और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। हाउ द प्रोजेक्ट असेसमेंट कैन बी डन, हाउ द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन कैन बी डन, हाउ द प्रोजेक्ट अप्राइजल कैन बी डन। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस है। टेस्ट नहीं आ गया? हाँ बोलिए। टेस्ट नहीं आ गया? नहीं, टेस्ट का जो पेपर है ना हाँ वो क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और अभी भेज देते सर। अभी क्लास ले लेना। सर उसके बाद बाकी क्लासेस भी होती है ना, फिर टाइम नहीं मिलता। नहीं, आप भेज देना आंसर, उसको ईमेल कर देना जब भी आपको टाइम मिले ना। शाम तक कर देंगे तो ठीक है सर, शाम तक कर देंगे, शाम तक कर दीजिएगा, कोई उसकी बाउंडेज नहीं ठीक है सर, ठीक है। है ना। जब भी आपको टाइम मिले, आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिएगा। ओके सर, ठीक हाँ, तो क्लास का टाइम क्यों खराब करें, एक लेक्चर भी हो जाएगा तो, है ना। तो उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और आप उसको मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ओके सर। आप उसको मेल कर दीजिए। तो आज जो बहुत महत्वपूर्ण जो एनालिसिस है, इन्वायरमेंट एनालिसिस किसी प्रोजेक्ट का करना बहुत जरूरी है। आपको भी जानकारी होगा कि दिल्ली में बहुत सारे इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल जोन है उसको खत्म किया जा रहा है। कारण क्या है, वो यही आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, इकोलॉजिकल एनालिसिस है। वो उसका एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है। वो या तो एयर पोल्यूशन दे रहे हैं, या फिर नॉइज पोल्यूशन दे रहे हैं, या फिर वाटर पोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये एनालिसिस आप अच्छी तरह कीजिए कि हम ऐसी मशीनें लगाएं अपने प्लांट के लिए जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सर्वाइवल कर जाए, उस पर किसी तरह का नोटिस नहीं मिले कि भाई पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आपका क्लियरेंस हो। कई मशीनें इस तरह की, आजकल ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट चल रहा है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे कई रिसर्च पेपर हमारे आए हुए हैं, आप नेट पे आप देख लेंगे, कई वीडियो भी हमारे आए हुए हैं। तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में भी वही होता है कि पॉल्यूशन जो है वो नहीं करते हैं। ऐसी मशीनें लगाएं कि वो पॉल्यूशन नहीं करे। तो ग्रीन कॉन्सेप्ट, ग्रीन सप्लाई चेन, ये आपको अभी रेसेंट जो आ रहा है वो आपको यही आ रहा है। आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई कंट्री मिलकर के वो आपको कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को आपको कम करना है। तो ये इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वो आप चेक करिए कि आपकी जो कंपनी बनाने जा रही है वो इस दायरे में तो नहीं पड़ रही है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में कई जो है, कई इंडस्ट्रियल जोन को, मायापुरी का है, कई इंडस्ट्रियल जोन है, डाबड़ी का है, और कई इंडस्ट्रियल जोन है उसको बंद करने के सरकार के ऑर्डर मिले हुए हैं कि यहां से आप बंद कीजिए, आप दूसरी जगह ले जाइए, आप यहां से हटाइए, है ना। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एनालिसिस है। इसमें आपको इन्वायरमेंट एनालिसिस करना है और इकोलॉजिकल एनालिसिस करना है कि देखिए उसमें आपको एक तो इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, आप फॉरेस्ट लैंड पे आपको कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है आपके इंडस्ट्री के लगाने से, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारा प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा, कई डैम बन रहे थे, उत्तराखंड में बन रहे थे, उसको रोक दिया गया। वो कह रहा है कि भूमि स्खलन हुआ, उससे हो रहा है, डैम से होता है।
जमीन वहां पे खराब हो जाती है तो उसको रोक दिया गया। आप उस तरह का प्लांट नहीं लगा सकते हैं जो कि लैंड को खराब करे, लैंड वहां के आसपास के एरिया को खराब करे। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये आप प्रोजेक्ट लगाने के पहले आप चेक कर लीजिए। इंपैक्ट ऑन द समर्जेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ पे कोई खतरा तो नहीं आता है, जो वाइल्ड लाइफ है उस पर आपको इंपैक्ट तो नहीं करता है। लॉस ऑफ द हैबिटेंट तो आपको नहीं करता है। इंपैक्ट ऑन द रेयर स्पेसी, कई तरह के रेयर स्पेसीज हैं जो गवर्नमेंट अभी प्रोटेक्ट करना चाह रही है, बहुत तरह की रेयर स्पेसीज है आपको, तो एनिमल्स के प्लांट के बहुत रेयर स्पेसीज है उसको आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही है। तो इसको आपको प्रोजेक्ट लगाने के पहले आपको आपको देखना पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन द वेजिटेशन ड्यू टू द टनल कंस्ट्रक्शन, है ना, वेजिटेशन लॉस नहीं होना चाहिए। जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो आपको खत्म नहीं होना चाहिए। उसका लैंड पे कई इंडस्ट्री होती है ना, तो केमिकल इंडस्ट्री है वो आसपास के लैंड को, वहां पर आपको वेस्ट गिरता है और वेस्ट गिरने से क्या होता है, आसपास का लैंड जो है वो खराब हो जाता है, आसपास का लैंड जो है वो खराब हो जाता है ना, आसपास के जो लोग रहते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी प्लांट लगाए उसका नेचुरल रिसोर्सेस पे आपको क्या फर्क पड़ रहा है ना, इंपैक्ट ऑन द वेजिटेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर लैंड पे क्या खर्च क्या फर्क पड़ रहा है। एग्रीकल्चर लैंड जो आसपास की जो है वो आपको आपको केमिकल इंडस्ट्री से के साथ में ऐसा होता है कि लैंड जो है आपको खराब हो जाता है ना, तो उस पे आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन द मिनरल रिसोर्सेस पे आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कल्चरल मोनूमेंट्स पे आपको आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हिस्टोरिकल और कल्चरल मोनूमेंट पे आपको किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये सारे इफेक्ट इकोलॉजिकल को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज्यादा अभी चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का जो है बहुत ज्यादा अभी चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को हर एक कंट्री को ये पूरा आदेश दिया हुआ है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसके लिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का सजेशन है कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। जो पोल्यूशन इंडस्ट्री देती है उसको बंद किया जाए। तो इसी में आप प्रोजेक्ट को मेजर कीजिए कि हमारे जो हम जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के दायरे में नहीं है। तो आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, गवर्नमेंट की नोटिस मिल गई, तो आप फ्यूचर का देखिए कि 15-20 साल के बाद कहीं उसमें नोटिस तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से नोटिस तो नहीं मिलेगा। कई कई फैक्ट्री हैं, छोटे छोटे कई जो है स्मॉल स्मॉल शॉप्स हैं दिल्ली में, वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से उसके पास सर्वे के लिए आता है, वो जो है उसको मनी दे देते हैं, पैसा दे देते हैं और अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो आप इस तरह कितने दिन चलाएंगे, आप जो है पोल्यूशन डिपार्टमेंट को पैसा खिलाएंगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ आपको मिलेगा आपको इंडस्ट्री से। तो ये चीजें आपको जब प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट का लोकेशन डिसाइड करते हैं, तो ये आप जो है उसको देखिए कि उससे आपको कोई खतरा तो नहीं हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस तो नहीं हो रहा है, किसी तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको हाईवे रेलवे इस सब के इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन फेज पे आपको इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है ना। पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक तो नहीं हो रहा, अर्थक्वेक कई जोन है जो अर्थक्वेक रिलेटेड जोन है, आपने प्रोजेक्ट वहां पे लगा दिया, पता चला कि अर्थक्वेक आ गया, आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। डैम बना दिया आपने, डैम में आपको अर्थक्वेक आ गया और पता चला कि डैम जो है टूट गया, सारे जो है आपके आपके जो करोड़ों रुपए लगाए थे आपने अपने डैम में, वो डैम आपका खत्म हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन फेज पे आपको ये आपको आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर जो है इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल बैलेंस आपको
जो प्रोजेक्ट लगा रहा है उसके उस तरह के प्रोजेक्ट में आपको जाना है, और ये आपको नेसेसरी हो गया है। इम्पैक्ट ऑन द सॉइल, इम्पैक्ट ऑन द सॉइल, सॉइल पे आपको इम्पैक्ट का ये आपको जरूरी है कि सॉइल में आपकी आपकी मिट्टी तो खराब नहीं कर रही है, सॉइल इरेजन तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का सॉइल में चेंजेस तो नहीं आ रहा है, कोई भी आपको जो प्रोडक्टिव सॉइल है जनरली केमिकल इंडस्ट्री लगाने से ये आपके सॉइल में आपको इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन द लैंड यूज, कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम से है ना, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट साइट नहीं हो कि उसके लैंड यूज पे आपको आपको इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट ऑन द हाइड्रोलॉजी एंड द वाटर यूज, द वाटर डिमांड आपका हमेशा रहता है, आपके प्रोजेक्ट के लगाने से आपके वाटर के यूजेज पे फर्क तो नहीं आता है, आपके हाइड्रोलॉजी में आपको फर्क तो नहीं आता है, ये आपको चेक करना है। इम्पैक्ट्स ऑन द वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी में आपको फर्क तो नहीं आता, वाटर पोल्यूशन तो इंडस्ट्री नहीं कर रही है, वाटर को वाटर पोल्यूशन तो आपको इंडस्ट्री कर नहीं रही है, ये आपको चेक करना है। वाटर जो आपको पोल्यूट करेगा उस तरह का इंडस्ट्री आप मत लगाइए, अगर किसी तरह का पोल्यूशन आ रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है, बहुत सारे अभी गंगा एक्शन प्लान आपने सुना होगा, यमुना एक्शन प्लान सुना होगा, करोड़ों रुपये गंगा एक्शन प्लान पे लगाया जा रहा है, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए गंगा प्लान जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने भी शुरू किया था, तो आप उसको देखिए कि ये आपका वाटर पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं आपके रिवर में आपको आपको पोल्यूशन तो नहीं ला रहा है, तो ये आपको देखना जरूरी है। इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है आप उस तरह की इंडस्ट्री लगाइए जो कि आप देख लिए कि इन्वायरमेंट पे उसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी आपकी पोल्यूशन की टीम आएगी आपकी चेक करेगी, अब सब जगह वाटर लेवल चेक हो रहा है, एयर का पोल्यूशन डे बाय डे आपको सभी जगह मीटर लगे हुए हैं, दिल्ली में कई जगह मीटर लगे हुए हैं, ITO में लगा हुआ है, कई जगह लगे हुए हैं, वो पोल्यूशन चेक कर रही है, कई आगे कई तरह के ऑटोमोबाइल्स पे ये आपको आपको चलाने पे खतरा आ रहा है, ये आपको जो पॉल्यूशन है, तो ये आपको पहले चेक करना है कि आपको प्लांट लगाने के पहले आपको चेक करना है। इम्पैक्ट्स ऑन द एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर आपको इस लेक्चर नोट्स में एक तो आपको इम्पैक्ट्स ऑन द एयर क्वालिटी दिया हुआ है, दूसरा मिटिगेशन मीजर्स भी दिया हुआ है, हर एक में आपको मिटिगेशन मीजर्स भी दिया हुआ है कि आपको इम्पैक्ट क्वालिटी को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल कंस्ट्रक्शन मशीनरी विल जनरेट द गैसेस पॉल्यूशन, वो आपको जनरेट करेगी, उसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द होल रोड कंस्ट्रक्शन साइट शुड बी कैरिड आउट टू रिमूव द कंस्ट्रक्शन डिबरीज है ना, लो इमिशन कंस्ट्रक्शन व्हीकल और जनरेटर्स आपको यूज करना है, तो मिटिगेशन मीजर्स भी आपको इस लेक्चर नोट्स में आपको आपको प्रोवाइड किया गया है कि क्या क्या मिटिगेशन मीजर्स हम लोग यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, इन्वायरमेंट को रोकने के लिए। इम्पैक्ट ऑन द नॉइज, नॉइज पे आपको इम्पैक्ट नहीं करे, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो आपको नॉइज पॉल्यूशन करती है, तो मिटिगेशन मीजर्स यही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द साइट्स एंड द मेजर रोड ट्रैफिक, इम्पैक्ट ऑफ द नॉइज विल बी मिनिमाइज थ्रू द एडॉप्शन ऑफ द एडेक्वेट प्रोटेक्टिव मीजर्स, लो नॉइज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स विल बी यूज्ड, आपको नो नॉइज
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आपको यूज करना होगा इंडस्ट्री में। अभी हर एक मशीनरी के साथ में, हर एक व्हीकल के साथ में नॉइज को रोकने के लिए आपको मशीन लगा हुआ रहता है, साइलेंसर लगा हुआ रहता है कि नॉइज को पोल्यूशन को वो रोके। बहुत सारे मशीनों में अभी जो है साइलेंसर आने लग गया है, ऑटोमोबाइल्स में आपको साइलेंसर आने लग गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो इकोलॉजिकल इफेक्ट पे ही है कि जो इस तरह का प्लांट लगाएं जो आपको उसको इकोलॉजिकल के आपको हार्म नहीं करे, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा दिन तक आपको आपकी चलेगी, वो प्लांट जो है ज्यादा दिन तक चलेगा, है ना, वो प्लांट आपको ज्यादा दिन तक चलेगा। जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे हमारे अभी रेसेंट एरिया ऑफ द रिसर्च है, आप इस पे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे आप जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट में कोई मशीन आपको पोल्यूशन दे रही है, आप उसको सजेस्ट कर दीजिए जाकर कि भाई इस मशीन को रिप्लेस करके ये दूसरा मशीन आप लगा लीजिए, तो ओनर भी। हाँ बताइए सर, रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लगा दो। हाँ अटेंडेंस अभी लगाया नहीं है, अटेंडेंस लगा देते हैं, अटेंडेंस लगा देते पहले, अटेंडेंस लगा देते हैं। ठीक है सर, लगा दो, थैंक यू सर। अटेंडेंस लगा देते हैं और क्लास के बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और आपको जब टाइम मिले आप उसको बना करके मेल कर दीजिएगा। सर कभी भी भेज सकता हूँ, कल परसों तक? नहीं नहीं नहीं, आज 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 कर दीजिए, आज तो आज टाइम तो मिलेगा ही ना, क्योंकि उसमें टाइम बॉन्ड है, 1 घंटे का बॉन्ड है। ओके सर, ओके, तो आप जो जो टाइम मिलता है तो आज आज उसको कर दीजिएगा। ओके सर, ओके। थर्टी 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट, 37 राखी जी इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, 37 राखी कुमारी जी प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हिमांशु कुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हितेश प्रासर जी 19 इज प्रेजेंट, नंदनी गुज्जर जी इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हितेश प्रासर जी 19 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, आकाश पावर जी 3 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, आज जो जो प्रेजेंट है उनका नाम मैं फिर से दोबारा बोल देता हूं, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, आकाश पावर जी 3 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, नंदनी गुज्जर जी इज प्रेजेंट, हृदेश परासर जी 19 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, 37 राखी कुमार प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट,
Jitin Rana ji, 23 is present. हेलो सर सर मेरा सर वाईफाई सर ऑफ हो गया था तो सर अभी आया मैं सर पहले कनेक्टेड था सर। हाँ भाई तेरी प्रेजेंट है। क्या नाम है आपका? आपका आपका क्या सर? नाम जितेंद्र राणा। हाँ हाँ बन गई जितेंद्र राणा जी को मैं देखा था कनेक्ट करते करते आपका कर दिया था। ओके सर यस सर पबजी आ रहा हूँ चल। तो आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं जो भी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें 20 साल तक कोई पोल्यूशन डिपार्टमेंट से हमें कोई नोटिस ना मिले किसी तरह सर, की। आप बोलिए सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो ठीक है सर वही नेट चेक कर रहा था मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था ना बार बार। नहीं नहीं आपकी आवाज आ रही है ना। ओके सर। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आपको वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा इंडस्ट्री लगाने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा इंडस्ट्री आप लगाइए ही मत जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हो। पोल्यूशन जो है क्रिएशन अभी मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर और उसका आप चेक कीजिए कि इकोलॉजी पे आपको क्या जो है इफेक्ट पड़ रहा है आप उसको चेक कीजिए है ना। इंपैक्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे क्या उसका फर्क हो रहा है। इंपैक्ट ऑफ द माइग्रेशन पे आपको क्या फर्क पड़ रहा है। कई बार होता है कि कई जो है वहां पर सेमी स्किल्ड स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिलते हैं वो इंडस्ट्री के पास चले जाते हैं तो लोकल पॉपुलेशन पे माइग्रेशन ना हो लोकल पॉपुलेशन माइग्रेट नहीं करे। किसी कंपनी के लगाने से न्यूक्लियर प्लांट को लगाने से अभी न्यूक्लियर वेस्ट का बहुत खतरा रहता है। वो कह देते हैं कि इतनी दूरी तक कोई आदमी लोकल पॉपुलेशन आपको नहीं रहे तो पहले आप चेक कर लीजिए कि माइग्रेशन इंपैक्ट आपको पीपल पे इंपैक्ट नहीं पड़े माइग्रेशन नहीं हो पीपल का माइग्रेशन नहीं हो है ना। तो ये आपको जरूरी चेक करना है। आपको मिटिगेशन मीजर्स आपको यहां पर आपको दिए हुए हैं है ना। मिटिगेशन मीजर आपको क्या क्या यहाँ पर दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी द लेबर इंटेंसिव आप वर्क कीजिए। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम द नियर बाय एरिया। इससे क्या होता है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने से आपको जो लोकल पीपुल है ना वो आपको हेल्प करेगा। लोकल पीपुल आपको आपको हेल्प करेगा तो ये आप इकोलॉजिकल चेक कीजिए प्लांट को लगाने के पहले। सॉइल इरोजन इज ए एनवायरनमेंट फैक्टर। कई तरह के प्लांट जो है वो डिग्रेड करते हैं सॉइल को सर। कई तरह के जो प्लांट होते हैं केमिकल प्लांट होते हैं वाइन के प्लांट होते हैं उसके जो वेस्ट निकलते हैं ना इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं वाइन के जो प्लांट होते हैं वो आपको वो आपको आपको जो है डिग्रेड करते हैं सॉइल को डिग्रेड करते हैं। तो उस तरह का प्लांट आप मत लगाइए। उस तरह का प्लांट जो है जो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करे वाटर पोल्यूशन क्रिएट करे एयर पोल्यूशन क्रिएट करे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करे आप उस तरह का प्लांट लगाने में उस तरह का आप प्रोजेक्ट लगाने में आप उस तरह का प्रोजेक्ट मत लगाइए है ना क्योंकि उस पर खतरा है। गवर्नमेंट काफी सेंसिटिव है और गवर्नमेंट के जो है आपको काफी मेजर्स आ रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान आपने सुना होगा यमुना एक्शन प्लान आपने सुना होगा कि यमुना के किनारे जितने पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है सबको नोटिस किया हुआ है। गंगा के किनारे जितने भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसको नोटिस किया हुआ है।
तो आप पोल्यूशन से जो आपको रिलेटेड है, आप इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंपैक्ट आप देखिए, किसी तरह का फ्रियोन गैसेस जो आपको ओजन लेयर को डिप्लीट करती है, वो आप उसको मत लगाइए, है ना। तो इंपैक्ट ऑन द लैंड यूज, सराउंडिंग के लैंड यूज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप इसको देखिए। सॉयल कंजर्वेशन मीजर्स को अपनाइए, सॉयल कंजर्वेशन मीजर को उस पे आप उसको चेक कीजिए। इंपैक्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजी को चेक कीजिए, है ना। रिवर का जो फ्लो होता है वो रेनफॉल से आपको इफेक्टेड होता है, तो जो आपके कंट्रोल डिस्चार्ज आपके प्लांट से निकल रहे हैं वो डाउनस्ट्रीम डैम रिवर में आपको न जाए, ये आप उसको चेक कीजिए, है ना। वाटर क्वालिटी को आपको आपको मेंटेन करना है, जहां भी आपको बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है ना कि वो क्या करते हैं ना कि उसके जो वेस्ट होते हैं ना वो जमीन के नीचे जो है आपको गड्ढा बना करके उसमें डाल देते हैं, वो वहां के वाटर क्वालिटी को आपको खराब करता है। वाटर क्वालिटी को नियर बाय एरिया की वाटर क्वालिटी को आपको 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 खराब कर देता है। तो आप उस तरह के प्लांट जो है नो लगाए तो बेटर है। तो इंपैक्ट ऑन द मेट्रोलॉजी, इंपैक्ट ऑन द नॉइज, नो इंपैक्ट ऑफ द नॉइज लाइकली टू बी फेल्ट बाय द लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक के द्वारा नॉइज का किसी तरह का भी फील नहीं होना चाहिए कि वहां पर प्लांट लग गया है, वहां पर नॉइज हो रहा है। नो मशीन इस तरह का लगना चाहिए, कोई इंडस्ट्री इस तरह का नहीं लगना चाहिए कि वो लोकल पीपल को आपको हार्म करे। तो ये आपको सोशियो इकोनॉमिक्स आपको देखना है ना। इंपैक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक्स, आप टूरिज्म को डेवलप कीजिए। कोई भी आप रिजर्वायर बनाते हैं, डैम बनाते हैं ना, तो आप उस वहां पर टूरिज्म को डेवलप कीजिए, इससे कि मोर प्लीजेंट इन्वायरमेंट वहां पे आ जाए और दूसरा आपको बेनिफिशियल इंपैक्ट उसका दे। टूरिज्म को डेवलप करने से मनी भी आपको आएगा, मनी भी आपका जो है गेन होगा। तो ये आपको सोशियो इकोनॉमिक आपको आपको गेन होगा। इस तरह का प्लांट लगाइए जो आपको टूरिज्म को भी डेवलप करे, आपको आप उसको बनाइए, इकोनॉमिक बूस्टअप कीजिए, है ना। इकोनॉमिक बूस्टअप कीजिए, इकोनॉमिक जो है बूस्टअप आपको होना चाहिए। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आपको होना चाहिए। कोई भी प्लांट आप लगा देते हैं तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान वो आपको जरूरी है। दस सप्रेशन मेजर सच एज स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर टू कैरीड आउट रेगुलरली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना। स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे आप उसको यूज कीजिए। सुटेबल ड्रेनेज सिस्टम आप यूज कीजिए। एडेक्वेट सेफ्टी मेजर आप यूज कीजिए। द कंस्ट्रक्शन पर्सनल एक्सपोज हाई नॉइज लेवल ये आपको मेजर कीजिए, है ना। एडेक्वेट पोर्टेबल वाटर सप्लाई यूज कीजिए। सैनिटरी फैसिलिटी आप यूज कीजिए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम आप यूज कीजिए। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट यूज कीजिए। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड द फ्यूल फॉर द कुकिंग आप जो है यूज कीजिए। तो ये जो है आपको इन्वायरमेंट से आपको बचाएगा। ड्यूरिंग द ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन बेल्ट इन अराउंड द प्रोजेक्ट एरिया कीजिए। दी आर द मिटिगेशन मेजर्स आर देयर, आपको मिटिगेशन मेजर्स भी आपको यहां पर आपको आपको दिया हुआ है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट हजार्ड्स ऑफ द वर्कर आप उसको यूज कीजिए। सोशियो इकोनॉमिक अनरेस्ट नहीं लाए। अंडरटेकिंग द एप्रोप्रिएट कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेसेसरी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इसको अडॉप्ट कीजिए टू मेंटेन द इमिशंस and discharges within the prescribed stipulated limits।
इमिशन को मेंटेन करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल को मेजर करने के लिए। ये आप जो है इसको आपको इंपैक्ट करता है। डिटेल्स ऑफ द मैनेजमेंट प्लान, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट प्लान आप यूज कीजिए। ग्रीन बेल्ट जो है अपने इंडस्ट्री के साइट में आप ग्रीन बेल्ट आप डेवलप कीजिए। फॉरेस्टेशन प्लांट लगाइए, फॉरेस्ट का डेवलप करने का आप जो है साथ में लगाइए। फॉरेस्ट जितने भी हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट का प्लान लगाइए। बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, उड़ीसा में लगा रहे हैं, तो ये सारे मेजर आपको मेजर करना जरूरी है। सॉलिड वेस्ट, कंपनी का जो वेस्ट होगा उसका प्लान आप लगाइए कि उसका वेस्ट कहां पर जाएगा। ये आपको सॉलिड वेस्ट मेजर आपको जरूरी है। जो वेस्ट हो रहा है कंपनी में वो कहां जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान आपको जरूरी है। डंपिंग ऑफ द बोरो एरिया मैनेजमेंट प्लान आपको ये जरूरी है। फिशरी डेवलपमेंट प्लान ये आपको जरूरी है। ये आप मैनेजमेंट प्लान कर सकती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ये प्लान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मैनेजमेंट कर सकती है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सेल आप कंपनी में बनाइए। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सेल बनाने के लिए बोला जा रहा है। इकोलॉजी का क्लब, इकोलॉजिकल क्लब जो है बनाने के लिए बोला जा रहा है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सेल बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सेल को डिसाइड कीजिए। दूसरा, पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लान बनाइए। आपका जो प्रोजेक्ट अगर कहीं रेडी हो जाता है तो इन्वायरमेंट के लिए आप बजट रेडी कीजिए। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट के एडुकेशन के लिए आपको बजट प्रोवाइड किया जाएगा। है ना, आपको बजट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मेजर जो है आपको आपको हेल्प करेगा। रिसेटलमेंट एंड द रिहैबिलिटेशन प्लान, ये आपको नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई प्लांट लगाना अगर जरूरी है तो पीपुल का डिस्प्लेस्ड पर्सन कहां पे जाएगा। अगर इस तरह का जो है प्लान, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, वो आपको रिहैबिलिटेशन प्लान आपको होना चाहिए। पीपुल कहां पे रिसेटल होगा, नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड पर्सन, कितने पर्सन अफेक्टेड हैं, वो सारा कैलकुलेशन आपको आपको देने की आपको आपको जरूरत है। तो ये प्रोजेक्ट में इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन देने का आपको आपको जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिवी कम्युनिटी के लिए, फैसिलिटी के लिए जो अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आप वो बनाइए। पाइप वाटर सप्लाई ऑफ द ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप यूज कीजिए। प्राइमरी स्कूल विद द प्ले ग्राउंड आप यूज कीजिए। टार टॉप इंटरनल रोड्स, रीड्स लिंक रोड्स आप उसको डेवलप कीजिए। इलेक्ट्रिक सप्लाई एटलीस्ट वन पॉइंट इन हाउस, ये सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सीवर नेटवर्क एंड द लैटिन्स इन ईच हाउस, ये आपको डेवलपमेंट आपको आपको करना है। लैंड ऑफ द मार्केट, फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द रिसेटलमेंट विलेज, ये आपको करना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इस पे आपको बजट देना है, यूनिट कॉस्ट देना है। ये आपको आपको देना है। तो एनजीओ का पार्टनरशिप वो आपको जरूरी है बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड द अफेक्टेड कम्युनिटी। इट विल एडुकेट द पीपल, इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑन द रिलेटिंग लैंड एरिया। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप इन केस ऑफ द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट,
इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी है, आपको जरूरी है ना। तो जनरल निर्देशक कमिटी बनाइए, फॉर्म बनाइए एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द निर्देशक कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी वो आपको हैंडल करे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को। कॉम्पिटेंट एज अथॉरिटी विल चेक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको चेक करेगा इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मॉनिटरिंग एंड द इवैल्यूएशन एजेंसी विल चेक, ये आपको एनवायरनमेंट पे आपको फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो आज का लेक्चर एनवायरनमेंटल एंड इकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट पे था। आप उस तरह का प्लांट लगाने से बचिए जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट करे, जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करे, जो कि लैंड को आपको खराब करे। केमिकल इंडस्ट्री लगाने से बचिए, जो वेस्ट निकल रहा है उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाइए, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाइए। रॉ मटेरियल प्रॉपर ढंग से वहां पे एंट्री करे, जो पैकेज मटेरियल है वो सही ढंग से वहां से आपका प्लांट से निकले। इकोलॉजिकल आपको ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो कई प्लांट है जिसको कि अभी गवर्नमेंट नोटिस दी हुई है, बंद करने की नोटिस दी हुई है। कई प्लांट पे आपको नोटिस दिया हुआ है जो मेन मेन रिवर के पास में है, वहां भी जो है नोटिस दिया हुआ है, और दूसरे जगह जहां भी है वहां उसको नोटिस दिया हुआ है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले आप देखिए कि इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन तो नहीं है, पॉपुलेशन पे तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे तो नहीं होगा, इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट लैंड तो नहीं होगा, किसी तरह के फॉरेस्ट लैंड को आप खराब तो नहीं कर रहे, वाइल्ड लाइफ को आप खराब तो नहीं कर रहे, जो आपको रेयर स्पेसीज है आप उसको खराब तो नहीं कर रहे। इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ऑन द ग्रेजिंग लैंड पे आपको क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर लैंड पे आपको क्या हो रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले आप प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन ठीक से कर लीजिए। अगर आप दूसरी जगह प्लांट लगाना चाह रहे हैं, दूसरे स्टेट में लगाना चाह रहे हैं, दूसरा कंट्री में लगाना चाह रहे हैं, तो ये ज्यादा और जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पर आपको देखना और वहां के रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। जब आप दूसरे कंट्री में लगा रहे हैं प्लांट, दूसरे स्टेट में लगा रहे हैं, तो ये जो है मीजर आप उसको बिल्कुल चेक कीजिए कि आपको एनवायरनमेंट की तरफ से पोल्यूशन बोर्ड से आपको क्लीन, आपको हमेशा जो है एनओसी का सर्टिफिकेट आपको मिलते रहना चाहिए। तो क्या क्या एनवायरनमेंट इंपैक्ट पड़ सकता है, मिटिगेशन मीजर्स क्या क्या है वो भी आपको इस लेक्चर नोट में आपको दिया गया है। व्हाट आर द मिटिगेशन मीजर्स आर देयर, क्या मीजर आप ले सकते हैं, वो भी आपको यहां पर इस लेक्चर नोट में आपको दिया हुआ है। तो टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड विद द पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट्स ऑन द वाटर क्वालिटी, इम्पैक्ट्स ऑन द एयर क्वालिटी पे ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। आप पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को ही अगर आप मनी खिलाते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, तो आपकी आपको प्लांट से प्रॉफिट क्या आएगा। तो ये आप जो है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से इम्पैक्ट्स ऑफ द नॉइज ये आपको करना बिल्कुल जरूरी है।
कि कोई आपका जो नेवर जो है, आपका विलेजर्स जो है, आपका उंगली नहीं उठाए आपके प्लांट पे कि भाई ये पॉल्यूशन